सीएम और पीएम को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान का विवादित बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर कहे अपशब्दों पर बीजेपी नेता आक्रामक हो गए हैं और इसी के खिलाफ आज गोहाना और कैथल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। चलिए पहले आपको गोहाना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयभान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोहाना के अम्बेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उदयभान और राहुल गांधी के पुतले जलाए। प्रदर्शन का नेतृत्व सोनीपत भाजपा के जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह राणा ने किया। इस मौके पर तीरथ सिंह राणा ने कहा कि उदयभान की ये बेशर्मी की हद है कि वो अपने शब्दों को वापस लेने और माफी मांगने तक से इनकार कर रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी, जो ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, ये भाषा मैं पहले उनसे ही पूछना चाहता हूँ। आपके नेता अपने राहुल गांधी के बारे में ही बताइए, वो शादीशुदा हैं या नहीं है? अगर शादीशुदा हैं तो उनकी बीवी कहाँ है? अगर नहीं है तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में और उनमें और देश के प्रधानमंत्री में क्या फर्क है? इस भाषा को अपने घर से इस्तेमाल करके चलिए। ये भाषा जो आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली है, इसको हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा। इसका बदला, इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। आपने मनोहर लाल मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, इसका भी खामियाजा आपको हरियाणा में जरूर भुगत। ये इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है। ये इन्होंने कांग्रेस ने अध्यक्ष बना रखे ऐसे ऐसे जिनको पद की गरिमा का कोई ध्यान नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है? ये चार बार से लगातार आ रहा हो, अभी ये जो बना रखे प्रदेश अध्यक्ष बुखलाट में, जो कांग्रेस का भी भाई लगातार हार हो रही है, देश में भी प्रदेश में भी बुखला बुखला के उल्टी सीधी प्रधानमंत्री के खिलाफ और ये बयानबाजी कर रहे हैं। उनका उदयभान का और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है, जो राहुल गांधी ने ऐसे अध्यक्ष बना रखे हैं जिनको प्रदेश की प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री गरिमा का नहीं पता। तीरथ राणा ने कहा कि अभद्र टिप्पणियों का खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और देश की जनता अपने नेताओं के अपमान का बदला खुद लेगी। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर कैथल से दिखाते हैं। कैथल में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। कैथल भाजपा जिला कार्यालय कपिल कमल में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए भाजपाइयों ने लघु सचिवालय के नजदीक चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का पुतला जलाया। कैथल भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने कहा कि उदयभान का बयान अमर्यादित और अशोभनीय है। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो ये कांग्रेस के जो नेता हैं, वो परिवारवाद की गुलामी की मानसिकता के अंदर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर वो अपने बयान से मुकरते हैं तो उनको राहुल गांधी से डांट पड़ेगी और उनको हुड्डा से डांट पड़ेगी। इसीलिए वो अपने बयान को ये कहते हैं कि मैं किसी के बारे में कितनी गंदी भाषा का प्रयोग करूं, कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे आका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे आका राहुल गांधी राजी रहने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय मोदी जी के ऊपर, माननीय प्रदेश हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी करने का काम किया, तो सबसे पहले तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का ये कल्चर है कि कौन कितना गंदा बोलेगा, और इनकी तो इस बात का कंपटीशन चलता है कि कौन लोगों को ज़्यादा गंदा बोलेगा, गालियाँ देगा। ये कांग्रेस के DNA में है कि वो लोगों को इस प्रकार से अपमानित करने का काम करते हैं। और हम आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे जिलाध्यक्ष भाई अशोक जी के नेतृत्व में यहाँ उनका पुतला फूंकने का काम किया, और असली पुतला तो इनका 2024 के चुनावों के अंदर इस देश और इस प्रदेश की जनता फूंकने का काम करेगी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि उदयभान भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं और उनकी नज़र में बेहतरीन साबित होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने देश के PM को निशाने पर लिया और प्रदेश की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर गलत टिप्पणी की। वैसे एक बात तो तय है, उदयभान का ये बयान अब हरियाणा की राजनीति में तूल पकड़ता जा रहा है और आगे क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल और कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।